दुनिया के कई देश युद्ध में घिरे हुए हैं, जहां रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इधर हमास और इजराइल बीते 7 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इस बीच एक बार फिर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि हमास की शासन करने और युद्ध करने की क्षमता का खात्मा नहीं हो जाता। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया था कि इजराइल ने एक नया शांति रोडमैप पेश किया है।